शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर आज बीजेपी दिल्ली में विरोध मार्च निकाले। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल को अब मुख्यमंत्री के पद पर रहने का अधिकार नहीं। इसी को लेकर संवाददाता कमलेश सिंह ने बीजेपी सांसद से खास बातचीत की है, आइए सुनते हैं। बीजेपी का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। मेरे साथ रमेश भिदूरी जी हैं, जो बीजेपी के निवर्तमान सांसद हैं। रमेश जी, ईडी ने तो गिरफ्तार कर लिया अरविंद केजरीवाल को, अब क्या आपकी डिमांड है? देखो, केजरीवाल साहब जेल में चले गए, ये पार्टी के अपने उनका वजूद था, जो कहते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने आए हूँ। अब वो भ्रष्टाचारी जेल से कैसे सीएम की कुर्सी संभालकर दिल्ली को चलाएंगे? जेल मैनुअल तो पढ़ ले, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो कहते थे मैं पढ़ा लिखा हूँ, इनकम टैक्स कमिश्नर बताते थे अपने आपको, जबकि कभी रहे इनकम टैक्स कमिश्नर, झूठा तो वो पैदाइशी है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या ना हो, और जो देशवासी नेताओं के दिए देश को लूटता देखते बर्बाद हो रहे थे, बर्बाद होता देखते थे, कि भ्रष्टाचारी अब जेल के अंदर भी बैठकर मुख्यमंत्री की सीट पर रहेंगे, तो हम उनका इस्तीफे की मांग करते हैं कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब या तो उनको बर्खास्त करे या उनका इस्तीफा कराए। केजरीवाल के नौ रतन किस बात की दवा है? ये 62 विधायक क्या वो इस लायक नहीं है बेचारे? अरे इनमें से किसी को बनाइए, बाहर सरकार चलाइए, आप बेगुनाह हो जाएंगे तो आके फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल लीजिए। तो केजरीवाल साहब आप रिजाइन करें, आपकी सरकार है थंपिंग मेजोरिटी की, किसी भी विधायक को बनाए, आप अपनी पत्नी को बना दे, आपको किसी पर भरोसा नहीं है तो पत्नी को भी बनाए, आप रिजाइन करें, पत्नी को बाय इलेक्शन लड़ा दें, हम कब मना कर रहे हैं, बनाए तो सही। ये थे रमेश भिदूरी साहब, जिनका कहना था कि रिजाइन कर दें, किसी को भी सीएम बना दें, उनको कोई आपत्ति नहीं है।